आपका जितेंद्र कुमार। क्या रहा मोदी जी आए, आखिर क्या भाषण दे गए अब की बार, जो 24 में बदलाव देखने को मिल सकता है या नहीं? बदलाव देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि युवाओं के लिए क्या गए, किसानों के लिए क्या गए और कई अच्छे मुद्दों पर क्या गए। लेकिन पहले भी कई बार कहना मोदी जी सरकार की जो घोषणाएं हैं पूरी तो होती नहीं है। वो नहीं, पूरी धरा पे उतरती हैं, जमीन पे, जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं जी, और मोदी करके रहेंगे 400 पार। जो आपके बोल दिया, क्या वो जो घोषणाएं की हैं वो पूरी होंगी? नहीं, मोदी है, लटकाट देगा पूरा, आपके पूरा लटकाट 400 पार। लेकिन कह रहे 10 साल में तो इतना, 400 पार 10 साल में तो बहुत काम हुआ, कोई काम नहीं बचा ऐसा। जो मोदी ने वादा किया है वो सब पूरे किए और पूरे करेगा। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। 400 पार 400 पार 400 पार। जो वो कहते हैं वो करते हैं और वो करेंगे बिल्कुल, और हमारा भरोसा है कि वो आने वाले कल में हमारे भारत को आगे से आगे ले जाएंगे। लेकिन युवाओं के लिए आखिर क्या किया अब तक? बिल्कुल देखिए, हमारा पूरा भरोसा रहा है कि हमारे लिए वो सब कुछ करेंगे जो उनसे हो सकता है। और उन्होंने क्या करा है जी? और उन्होंने क्या करा है हमें बताओ? और उन्होंने क्या कहा? नहीं कह रहे मैं युवा नेता हूँ। अरे सब ऐसी कहते हैं। जो मोदी जी के नेतृत्व में, अपने माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ ना, वो उसमें नहीं हुआ। मेरी 40 साल की उम्र हो गई है, मैं भी एक लोकदल का इंसान था पहले, लेकिन मैंने 2014 से जब से हमारे मोदी जी पीएम बने हैं, मतलब सड़कें देख लो, इतने इतने गहरे गड्ढे थे, और की सरकार में गाड़ी ऐसी जाती थी पिलखवा हापुड़ रोड पे, मेरा गांव भोजपुर का है, भोजपुर हापुड़ रोड पे कभी बहन बेटियों को ऐसा झुक झुक के चलना पड़ रहा था, ऐसे कर करके चोरों की तरह। लेकिन आज खुलेआम छाती ओढ़ के चलती है। यानी सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा, बिल्कुल सुरक्षा बड़ा मुद्दा रहेगा इस बार के चुनाव। आपने एक बात कही, आपने भी मुद्दा उठाया कि रोजगार के गरीबों के लिए क्या करा। मैं ये कहता हूँ कि रोज 5 लाख रुपए का लोन अगर देती है कोई सरकार और बिना गारंटी के, वो मोदी सरकार देती है युवाओं को आगे बढ़ने के लिए, समझे? नहीं आपको इसमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए, नहीं नौकरी के लिए नहीं, आत्मनिर्भर बनाने के, अपना बिजनेस करे, अपना व्यापार करे और आगे बढ़े देश को। लेकिन ये बताए, जिस तरह से आरएलडी भी साथ जुड़ी है, क्या पश्चिम से लेकर के यहाँ पर मतदान में अब की बार जीत का जो अंतर है वो देखने को मिलेगा? अरे अब की बार तो 400 पार, अब की बार 400 पार। कहीं ऐसा तो नहीं मशीन है कंडी हो? अरे 400 पार नहीं, 460 के पार जाएगी। सवाल उठ जाएगा कि ईवीएम है कंडी थी। अरे भाई साहब, ये तो सब ये चोर मोल बसेरे भाई है ना, सब धरा ले जाएगा जी। बताइए ईवीएम कोई है कि नहीं है? ये विपक्ष वाले मुद्दे उठाते हैं जनता को बरगलाने के लिए। कोई ईवीएम है कि नहीं है? और केजरीवाल फेल हो जाएगा ऐसे ही बस, और जेल से बाहर भी नहीं आएगा वो, उससे बड़ा नटवर लाल है नहीं दुनिया में। आज तक राजनीति में उस केजरीवाल से बड़ा नटवर लाल नहीं बना कोई। भाजपा डर रही थी, झूठा आदमी है सबसे बड़ा दुनिया का। कह रहे भाजपा डर रही थी इसलिए जेल में, भाजपा नहीं डरती, वो डर रहा है इसलिए तो बोलता है, बोला मेरे को जेल में डाल लेंगे, सारों को डाल लेंगे, उनका डर बोल रहा है ये। यानी उन्हें पहले ही पता था, उनको पहले पता है, सब कुछ पता है उनको जी। सुन लो जी, बताइए महिलाएं भी है। हाँ जी मैडम, कहाँ से आए आप? हम यही से लोकल ही। क्या लग रहा है आपकी बार मोदी जी आए संबोधन कर गए, क्या जनता ये जो भीड़ थी मतदान में बदलेगी? नहीं, मतदान में ही बदलेगी ये सारी भीड़ है, क्योंकि आज नारी इतनी बेधड़क होके चल रही है, पहले इतनी डर के चलती थी, अब डर के नहीं चलती। सब जगह विकास हो रहा है तो मोदी जी जीतेंगे प्रदेश में। लेकिन मुख्यमंत्री रहे वहाँ पर मायावती, क्या उनके समय में भी डर लगता था महिलाओं को? उस समय तो बहुत डर लगता था, हमारे समय में था कि कॉलेज में जाते हुए लड़कियाँ डरती थी, अब बिल्कुल आराम से जाते हैं। अब हम लोग ऐसे खड़े हैं, पहले नहीं खड़े हो सकते थे इतना, तो अभी औरतों के लिए बहुत सुविधाएं हैं। क्या महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहने वाली है 24 के चुनाव को लेकर के? ये सबसे अच्छे मोदी है, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता। निडर योगी है, ये योगी के राज में एकदम निडर महिलाएं, दिन रात कैसे भी चली जाओ बच्चे। आखिर योगी ने ऐसा क्या कर दिया कि महिलाएं निडर हो गई? निडर होगी सबको, गुंडा राज खत्म हो गया, गुंडों का तो और क्या, गुंडा का जी जगह गुंडे नहीं मिलते अब, नुक्कड़ पे खड़े हुए लड़के नहीं मिलते, आवारा आदमी नहीं मिलते अब, जैसे जाते हैं आराम से जाते हैं, आराम से आते हैं, लड़कियां खूब आराम से कॉलेज में पढ़ रही हैं। महिलाएं सुरक्षित हो गई, बड़ा मुद्दा रहा। आप बताइए, क्या जो वृद्धावस्था है उनके लिए सरकार ने क्या किया? सरकार बहुत कुछ कर रही है लोगों के लिए, जो पहले की सरकारों ने कभी नहीं किया, और अभी जो है हर वक्त का ध्यान रखा जा रहा है, चाहे वो शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, और इलाज के प्रति है, पेंशन है, कहाँ पे नहीं देख रही है सरकार, बताइए।
सरकार तो हर क्षेत्र में ध्यान दे रही है और इससे ज्यादा ध्यान किसी सरकार में दिया गया हो तो मैं जानना चाहता हूँ, मुझे आप बता दो। लेकिन सरकार पर आरोप लगते कि सरकार हिंदू मुसलमान की खाई पैदा कर दी है। हिंदू मुसलमान की खाई जो है विपक्ष पैदा करता है, जो कि उनके पास कोई मुद्दे है नहीं, ठीक है ना, केवल इसी बात पे कि ये है वो है, कोई मुद्दा है नहीं उनके पास। जो जो सरकार जो है अच्छा काम कर रही है तो उसको करने नहीं देना, खुद कुछ करना नहीं। विपक्ष की तो मेन सोच ये है, खुद कुछ करो मत और दूसरे को करने मत दो। क्या विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहा इसलिए खुद कुछ करने रही और भाजपा को कुछ करने नहीं दे रही? मैं पहले आपकी पहले वाले क्वेश्चन का जवाब दूंगा, जो आपने कहा हिंदू मुस्लिम जी, जितनी भी जनकल्याणी योजनाएं हैं जी, क्या उसमें मुसलमान को सामान नहीं मिल रहा है? सबसे ज्यादा मिल रहा, क्या राशन नहीं मिल रहा है? क्या कोविड की वैक्सीन नहीं दी गई थी? सब मिल रहा है। और फैक्ट के साथ मैं आपको बात करता हूँ, गूगल पे मैंने खुद देखा है सर्च के दौरान, मुस्लिम भारत का मुस्लिम हिंदू से ज्यादा इन लाभ ले रहा है। आयुष्मान भारत का डाटा उठा के देख लेना, हिंदू से ज्यादा मुस्लिम लाभ ले रहा है। और दूसरा विषय, बहुत बड़ा विषय जो है, हिंदू देशभक्त भी बुरा है और मुस्लिम देशभक्त भी मेरा है जी, ठीक है। लेकिन राहुल गांधी तो लगातार कहते हैं कि देश के अंदर मुसलमान सुरक्षित नहीं है, अज़दुद्दीन ओवैसी लगातार सवाल उठाते हैं कि देश के अंदर मुसलमान असुरक्षित है, मुसलमान असुरक्षित है। कौन सा ऐसा दो एक मिनट भैया 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 प्लीज, 2014 के बाद ऐसा कौन सा एक दंगा हुआ है जिसमें मुसलमान असुरक्षित है इस भारत देश में? मुजफ्फरनगर कांड, ज्यादा दूर नहीं जाते, यहाँ से 40 किलोमीटर पीछे आ जाओ, मुजफ्फरनगर पड़ता है हमारे जिला, मुजफ्फरनगर कांड में हिंदू मुस्लिम हुआ था, कहना नहीं चाहिए, हिंदुओं की लाश है ना नदियों में बहती गई, ठीक है। उसके बाद बीजेपी आई, कौन सा हिंदू मुस्लिम हुआ जी? कौन से त्योहार पे दंगा हुआ जी? सब सुरक्षित है मुसलमान, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, इस बार पिछली बार से 50% ज्यादा मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने वाला है जी। बिल्कुल पक्की बात बता रहा हूँ, क्यों ज्यादा पीछे मत जाओ, विकास की बात कर लेता हूँ। ये जो सारी लाइन है ना, मेरठ को 36,000 करोड़ का RRTS दे दिया मोदी जी ने, इससे बड़ा कोई इतिहास नहीं है, उठा के देख लेना मेरठ को, कभी इससे बड़ा कुछ मिला हो? हमारा हाईवे गंगा दिल्ली यमुना एक्सप्रेसवे, ठीक है, मेरठ दिल्ली, मोदी नगर से गाजियाबाद जाने में भाई साहब मुझे 1.5 घंटा लगता है। बिल्कुल, आज की डेट में सराय काले खा से मेरठ आने में मुझे मात्र 1.5 घंटा लग रहा है, टोल टैक्स जाएगा क्यों? अच्छा आपको सड़क भी तो मिला ना, सुविधा दे रहे हैं तो सुविधा भी मिली तो टोल टैक्स तो देना पड़ेगा, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है भाई। एक बात बताइए, सब्सिडी की बात होती है, पहले जो सिलेंडर 750 रुपए का था उसमें सब्सिडी नहीं मिलती थी, आज अगर 1,000 रुपए वाले में सब्सिडी मिल रही तो क्या बुरा है? मुझे तो कुछ बुरा नहीं मिल रहा। चलिए महिलाओं की बात करते हैं, इन्होंने कहा कि सिलेंडर पर सब्सिडी मिल रही है, क्या सिलेंडर पर जो सब्सिडी मिल रही है महिला इस चीज में किस तरह देखती है? देखो उसकी जानकारी तो आप, ये सब्सिडी सबको नहीं मिल रही है, ये मध्यम वर्गीय परिवार को नहीं मिल रही है। लेकिन जो सिलेंडर मिला है उज्ज्वला योजना में, कहीं ना कहीं महिलाओं को तो सुविधा मिली है, क्योंकि उनका कहना था कि जो महिलाएं हैं धुएं से परेशान रहती थी, जो महिला योजना भाई सब औरतों को जो मिली है उनको तो बहुत सुविधा है, ये बात नहीं, जो निम्न वर्ग के लोग है वे तो बहुत, और जो राशन मिल रहा है महिलाओं को वो कैसे देखते हैं? वो भी मतलब उनको भी बहुत जिनको मिल रहा है, बहुत अच्छा किया है उन्होंने, मोदी जी ने बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं, योगी मोदी दोनों मिलके बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। कह रहे कि गुंडा राज खत्म कर दिया, क्या यूपी से सच में गुंडा राज? पहले पुलिस वाले सुनते नहीं थे, जब से योगी जी आए हैं, जब से सुनवाई होती है, हर जगह सुनवाई होती है मेरी, हर जगह सुनवाई हो रही है सबकी, अब कोई गुंडागर्दी नहीं है कहीं पर भी। क्या पहले की सरकार में महिलाओं की सुनवाई नहीं होती? नहीं होती थी, मोदी के सरकार में महिला की सुनवाई हो रही है। अब आप कॉल करिएगा पुलिस आपके पास आ जाती है जी। महिलाएं योगी जी के राज में पूर्ण रूप से सुरक्षित है, सुरक्षित है, हर तरीके की सुविधाएं मिल रही है महिलाओं को, किसी भी समय हम घर से निकल सकते हैं, किसी भी और कोई भी बात अपनी हम रख सकते हैं। पहले तो 8 बजे के बाद बाहर निकलो तुरंत, कहीं चैन खींच ले, कहीं कुंडल खींच ले, अब तो चाहे जब निकलो कोई दिक्कत नहीं। थानों में थानेदार बैठ के सोते थे, पुलिस प्रशासन सोते रहे, कंप्लेंट करने जा रहे हैं वो सो रहे हैं, कौन सुने कौन। लेकिन अब पुलिस जगी रहती है, पुलिस जगी रहती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, तो ये थी मेरे
साथ मेरठ की जनता खास तौर से महिलाओं ने साफ तौर पर बात किया कि जिस तरह से आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में पहुंचे, लेकिन महिलाओं के दिल में जो जगह बनाई है वो कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा 2024 के चुनाव को लेकर एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। मेरठ से अपने सहयोगी सनी प्रजापति के साथ भोला वर्मा, बिजली न्यूज, नमस्कार। खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।